बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर कुशल पूर्वक होंगे और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे हैं जो अपना होमवर्क समय पर सेंड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, जो भी होमवर्क आपको दिया जाए वो अपने टीचर्स के पास उसको अवश्य सेंड करें, ताकि वो आपका मूल्यांकन अच्छी तरह से कर सके। तो ऐसे जो बच्चे हैं जो अपना होमवर्क अभी सेंड नहीं कर रहे हैं, वो अपना होमवर्क अपने टीचर्स के पास सेंड करें। और ये बार बार आपको न कहा जाए कि आपको रेगुलरली आपको अपना होमवर्क सेंड करना है। जो भी टीचर आपको वर्क दे रहे हैं उसको अपनी फेयर नोटबुक में कर उसके अगले दिन आपको सेंड करना है। तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखें कि जो भी टीचर्स के द्वारा वर्क दिया जा रहा है उसको अवश्य टीचर्स के पास भेजें। थैंक यू। आज जो आपका लेसन चल रहा है वो लेसन होगा आपका अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इससे पहले हमने 3 लेसन्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको भेज दिए हैं। आशा करते हैं कि आप उनको अच्छी तरह से लर्न कर रहे होंगे। और आज जो 4th लेसन है वो है अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको आज समझा रहा हूँ। यही क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में कर मेरे पास वापस भेजने हैं और इनको अच्छी तरह से याद करने हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू अबाउट मार्शल प्लान, ये मार्शल प्लान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री थे मार्शल प्लान। उन्होंने वेस्टर्न यूरोप की हेल्प करने के लिए एक योजना बनाई थी, ताकि वेस्टर्न यूरोप के देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। उस यूरोपियन देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मार्शल ने जो प्लान बनाया था उसको हम मार्शल प्लान कहते हैं। इस मार्शल प्लान के तहत ही यूरोप के देशों की हेल्प की गई थी, ताकि उन देशों की अर्थव्यवस्था अच्छी तरह से सुधर सके। तो उसी के बारे में पूछा गया, व्हाट डू यू नो अबाउट मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान क्या, क्यों बनाया गया था, क्या है? अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प। अमेरिका ने बहुत ज्यादा वित्तीय सहायता की थी, हेल्प फॉर रिमेनिंग यूरोप्स इकोनॉमी। किसके लिए? यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका के द्वारा जो वित्तीय सहायता की गई थी वो मार्शल प्लान के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एस्टैब्लिश। अब इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन दिया है, कौन सा है? यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन, मतलब OEEC। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मतलब यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1948 के अंदर। अभी क्यों हुई थी उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इसके अंदर। तो विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश टू गिव इकोनॉमिक एड टू द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अब ध्यान दीजिए, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आर्थिक सहायता दी गई थी। उस संगठन का नाम बताइए, कौन सा संगठन बनाया जिसने वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता की? वो ऑर्गेनाइजेशन था, यही ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। अब यूरोपियन संघ के अंदर जितने भी देश थे उन सबकी एक ही मुद्रा थी, और उस मुद्रा का नाम क्या था वो आपने बताना है। तो उस मुद्रा का नाम था यूरो, EURO, यूरो है यूरोपियन यूनियन की मुद्रा का नाम। विच टू कंट्रीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज ऑफ द यूरोपियन यूनियन आर द परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। अब यूरोपियन यूनियन के जो जितने भी देश शामिल है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसमें से आपने 2 ऐसे देशों के नाम बताने हैं जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। और वो दोस्त आपको पता है, UN सिक्योरिटी जो काउंसिल, उसमें 5 देशों को वीटो प्राप्त है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इन देशों को क्या है, यूरोपियन, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर
पांच देशों को वीटो पावर प्राप्त है, उनको स्थायी सदस्यता प्राप्त है, और तो वे दो देश उसमें से आपने बताना है जो यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं, तो वो है फ्रांस और ब्रिटेन। कौन कौन से हैं? फ्रांस और ब्रिटेन, जिसको यूरोपियन यूनियन के अंदर परमानेंट में, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर भी है, और ये दोनों देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य भी है। Which two countries resisted on the next question बता रहे हैं, Which two countries resisted the Maastricht Treaty and the adoption of the Euro? अब दो ऐसे देशों के आपने नाम बताना है जिसने Maastricht संधि और यूरोपियन जो यूरो थी उसको अपनाने से इनकार कर दिया, Maastricht जो संधि हुई थी उसको इनकार कर दिया, और दूसरा यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा थी यूरो उसको स्वीकार करने से मना कर दिया। तो वो दो देश थे डेनमार्क एंड स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन ऐसे दो देश हैं जिसने यूरो को स्वीकार करने से भी मना कर दिया, और जो मास्ट्रिश्ट ट्रेटी मास्ट्रिश्ट संधि हुई थी उसको मानने से भी इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द मेंबर ऑफ द एशियान? तो एशियान के अंदर बहुत से देश है, इसके अंदर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियान नेशन है ये, तो इसमें आपको हमने पहले भी बताए थे बहुत से इसके अंदर देश है, इसमें फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ऐसे बहुत से देश हैं जो यूरो एशियान के सदस्य हैं। आगे क्वेश्चन और बता रहे हैं इसके अंदर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो एशियान से ही रिलेटेड है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियान। एशियान के बारे में अभी हमने आपको बताया, इसमें मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस आदि देशों ने मिलकर बैंकॉक के अंदर डिक्लेयर बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर किया और एशियान की स्थापना की, तो उस एशियान का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये किसका संघ है? साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक संघ है। तो पांच देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके एशियान की स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य क्या था? एशियान को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य था इकोनॉमिक ग्रोथ, अपने क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि करना, एंड थ्रो दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास करने के साथ साथ आर्थिक विकास करके अपने यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास के साथ साथ आर्थिक विकास करने के बाद अपने यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चरल डेवलपमेंट को करना, ये एशियान का मुख्य उद्देश्य था। और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, वो अपने क्षेत्र के अंदर स्थिरता लाना और शांति स्थापित करना, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन के आधार पर, एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र जो चार्टर है उसके नियमों के अनुसार और कानून के शासन के आधार पर अपने क्षेत्र में पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता स्थापित करना, ये एशियान का मुख्य उद्देश्य था। सबसे पहला उद्देश्य इसका हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रो द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सेकेंड टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर और कानून के शासन के आधार पर अपने क्षेत्र में, एशियान के जितना जो क्षेत्र था जिसमें जितने भी देश थे उस देश के अंदर उन क्षेत्रों में शांति और स्थिरता स्थापित करने का उद्देश्य एशियान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एशियान वे, ये एशियान शैली क्या होती है? तो एशियान शैली ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग एशियान मेंबर्स, एशियन सदस्यों के बीच में आपस में सहयोग और अनौपचारिक और सहयोग की जो नीति होती है, एक तरीका होता है कामकाज करने का, एक तरीका एशियन के सदस्य देशों के बीच में कामकाज का अनौपचारिक या सहयोगात्मक जो कार्य शैली है, काम करने का जो तरीका है वो एशियन वे कहलाता है, आसियान शैली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज, एशियान जो एक संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका मुख्य उद्देश्य है अपने क्षेत्र के अंदर आर्थिक विकास करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वो अपना सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी चाहते हैं, लेकिन जो मुख्य जो उद्देश्य है एशियान का वो इकोनॉमिक है। नेक्स्ट, इंडिया हैज साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, देखो इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब मुक्त व्यापार सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, मुक्त व्यापार पर हस्ताक्षर किए विच टू एशियन कंट्री, एशियन के जो दो देश जैसे हमने आपको बताया इसमें मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इन सब बहुत से देशों ने मिलकर अपने एशियन के संगठन की स्थापना की थी, लेकिन उसमें से दो देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के साथ, जिनके मुक्त व्यापार है, फ्री ट्रेड है,
किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो देश है सिंगापुर एंड थाईलैंड। सिंगापुर और थाईलैंड के और भारत के बीच के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ है, जिसके अंदर ये आपस में सारे देश बिना किसी रुकावट के आपस में व्यापार कर सकते हैं। इन विच ईयर अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, देखो कौन से वर्ष के अंदर। माओ एक कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति था और माओ के नेतृत्व के अंदर चाइना के अंदर क्रांति हुई थी। उस रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताना है कि चाइनीज रेवोल्यूशन कब हुई थी, वो हुई थी 1949 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इन विच ईयर ओपन डोर पॉलिसी वाज अडॉप्टेड। देखिए खुले द्वार की नीति किसके द्वारा अडॉप्टेड की, क्यों की गई। देखो 1980 से पहले चीन का दूसरे देशों के साथ किसी तरह का संबंध नहीं था, वो दूसरे देशों से किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता था, वह अपनी पॉलिसी को दूसरे देशों के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन 1980 के बाद चीन की विदेश नीति के अंदर परिवर्तन आया और उन्होंने दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने स्थापित कर लिए। इस तरह से ओपन डोर पॉलिसी, अपने सारे के सारे जो सोर्सेज है वो वर्ल्ड के लिए उसने ओपन कर दिए और विश्व के साथ वो अपने संबंध बनाने स्थापित कर दिया। तो जो ओपन डोर पॉलिसी वो चीन के द्वारा अडॉप्टेड की थी वो कब थी, 1978 के अंदर। उससे पहले चाइना का वर्ल्ड के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं था। विच कंट्री वाज अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी, अब ये बता रहे हैं कौन से देश ने जो ओपन खुले द्वार की नीति को अपनाया, वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर चाइना एक्सेप्टेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसमें यह बताना है कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसका सदस्य चाइना कब बना, वो बना 2001 के अंदर। अब देखो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसके अंदर कुछ यूनियन कुछ संस्थाएं हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि वो कब एस्टैब्लिश हुई। जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ है उसकी स्थापना कब हुई। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियन, एशियन की स्थापना कब हुई। विजन डॉक्यूमेंट ऑफ एशियन और ओपन डोर पॉलिसी एंड एटॉमिक वेपन टेस्ट बाय इंडिया, तो इनके ये आंसर इसमें मैच करने हैं। तो सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ का संघ की स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियन, एशियन की स्थापना हुई 1967 के अंदर। विजन डॉक्यूमेंट ऑफ एशियन ये है 2020 एंड ओपन डोर पॉलिसी जो कि अभी आपको बताई ऊपर 1978 और एटॉमिक वेपन टेस्ट बाय इंडिया भारत के द्वारा परमाणु हथियार परीक्षण कब किया गया 1998 के अंदर। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन ये किया गया था 1992, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियन 1967, विजन डॉक्यूमेंट ऑफ एशियन 2020, ओपन डोर पॉलिसी 1978 और एटॉमिक वेपन टेस्ट फॉर इंडिया 1998। तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने आपको बताए, जो लेसन था अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के बारे में हमने आपको इसमें बताया, जो पहले भी हम इसके बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। इस वीडियो को देखते हुए ही केवल आपने ये क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो को देखते हुए ही आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है और इन्हीं क्वेश्चनों को आप मेरे को सेंड करेंगे। थैंक यू।